ये रही वैकेंसी, तीन चार वैकेंसी निकली है, हेल्पर को भी वैकेंसी निकली है। पे अच्छे से दिखाई नहीं देता है और यहाँ पे रास्ता है तो यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं। और भाई इधर देखो बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों आज आप सभी लोगों को जो इस स्पोर्ट्स लाइन में काम करते हैं उनके लिए वीडियो है। देखो भाई मैं एक कपड़े लाइन की फैक्ट्री के पास खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ हेल्पर की वैकेंसी अभी निकली है लेटेस्ट, और कुछ ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है लेटेस्ट। देखो भाई ऐसा है कि मैं एक CNC का सेटर ऑपरेटर हूँ, मुझे सिलाई के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अगर आप सिलाई करते होंगे, आप उसके बारे में कुछ जानते होंगे तो आपको पता होगा कुछ यहाँ गेट पे वैकेंसी निकली है, जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई मैं वीडियोज बनाऊँ तो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। तो भाई देर ना करते हुए मैं आप लोगों को कंपनी, अभी मैं क्या है कि सेकेंड गेट पे मैं खड़ा हूँ और फर्स्ट गेट पे उधर है, और मैं आप लोगों को कुछ कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ, उसके बाद उधर लेके चलता हूँ, फिर एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई लोग ये कंपनी है, और जो कि ये कंपनी स्थित है उसका मैं आप लोगों को एड्रेस में बता देता हूँ। ये है सोहना, ये 24 सेक्टर का सोहना वाला कट के इधर को पड़ता है, और इस कंपनी को आप देख सकते हैं। वैकेंसी कैसी निकली है आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड लगा है, यहाँ पे आवश्यकता है सिलाई के कुशल कारीगरों की, ओवरलॉक ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेटर और हेल्पर की वैकेंसी। ये रही वैकेंसी, तीन चार वैकेंसी निकली है, हेल्पर को भी वैकेंसी निकली है। स्पोर्ट्स में ट्राई करना चाहते हैं काम तो आप भाई इस कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। भाई बेहद अच्छी कंपनी है, आप लोगों को देखने को अच्छा से मिल रहा है। गेट के पास चलते हैं भाई, थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को। बोर्ड भाई देखो ढक रहा है, वो दिखाई दे नहीं रहा है। गेट पे भी जो वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है वो सेम गेट पे भी है, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। कंपनी का एड्रेस मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखो भाई मेरा सिर्फ ब्लॉग बनाने का और आप लोगों को सिर्फ रास्ता बताने का मैं काम करता हूँ, बाकी मैं कोई जॉब लगवाने वाला नहीं हूँ। और जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों की नॉलेज टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप मेरी लाइफ स्टाइल तो देखते ही हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, मैं बैक साइड जो पीछे का गेट है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये आगे का गेट इसका था, और सेम जो वैकेंसी वहाँ पे निकली है सेम यहाँ पे भी है, तो यहाँ का फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि जो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, वही वैकेंसी उस गेट पे भी निकला हुआ है। पे अच्छे से दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पे रास्ता है तो यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं। भाई ये बाहर से कंपनी तो देखने में छोटी लग रही है, लेकिन भाई अंदर बहुत बड़ी कंपनी है ये। और भाई इधर देखो बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल भाई ये मेन रोड पे ही कंपनी स्थित है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं इधर को है। भाई ये आपको एड्रेस मैं बता दूँ, ये 24 सेक्टर फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, और इधर भाई अतुल बाजार जो है उसकी कंपनी है। और भाई अंदर को वही गेट लगा हुआ था, इधर देखो बड़ी कंपनी है लेकिन इसका गेट उधर को ही है, ज़्यादा देखने में नहीं लग रहा था। याद रखना है कि जो अतुल बाजार जो है ट्रेंडर्स, और इधर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, और उसके आगे को उधर को कंपनी है वो जो मैंने दिखाया था। भाई लोग वही उसका गेट है, इस इधर का गेट बंद कर दिया है, क्योंकि इधर जो अतुल एक फैक्ट्री खुल गई है इसकी वजह से उधर का गेट बंद कर दिया है। और भाई इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, बहुत लोग कह रहे थे कि स्पोर्ट्स की भी कंपनियां दिखाएं, तो मैंने स्पोर्ट्स की आप लोगों को कंपनी दिखा दिया है। प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है, आप वहां पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। मुझे स्पोर्ट्स के कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स का मैंने कंपनी का ब्लॉग बनाया है। बाकी कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।